भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कटहारा पंचायत के वार्ड संख्या 9 में विगत एक साल पूर्व गांव के युवक चक्रेश कुमार उर्फ दुर्लभ कुमार से दारू पीकर हंगामा के दौरान मारपीट होने पर उसके पिता परमानंद सिंह के द्वारा झूठे केस में जहर खिलाकर जान मारने का मामला थाने में दर्ज कराया गया था। वहीं इस मामले में ग्रामीण सुनील कुमार सिंह ने बताया कि विगत एक साल पूर्व गांव के युवक चक्रेश कुमार उर्फ दुर्लभ कुमार ने दारू पीकर हंगामा करने के दौरान मारपीट की थी। तभी दुर्लभ कुमार के पिता परमानंद सिंह ने झूठे केस थाने में मामला दर्ज करते हुए जहर खिलाकर जान से मारने की धमकी दी है। उसी मामले को लेकर थाना अध्यक्ष के द्वारा पुलिस टीम ने फिर तो शेखर कुमार के घर पर आकर शेखर कुमार की खोजबीन करने पर शेखर कुमार पुलिस को देखते ही फरार हो गया। तभी पुलिस टीम ने शेखर कुमार के छोटे पुत्र नाबालिग अंकित कुमार को लाल मुसा से मारपीट करते हुए घायल कर दिया। पुलिस में इलाज कराया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। के यहाँ आए थे जी जी। हम लोग उस जगह खड़े थे और पूछा अंकित से, उनका लड़का से, छोटा लड़का से, बोला कि शेखर कहाँ है बताओ। वो बोला कि हम नहीं जानते हैं कहाँ गया है नहीं गया है। उसके बाद वो उनके लड़का को खूब पीटने लगा, खूब मारा है, खूब मारा है अंकित को। अंकित को माजरा क्या है, मर जाता क्या, क्या कारण है मारने का, वही पूछा कि नहीं बताया। इसी कारण से, इसी कारण से मारा। हाँ, इसी पापा अगर शेखर का बदला इसी को मारे। क्या चाहते हैं पुलिस कर्मी को, क्या करें, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चा को क्यों मारे, बच्चा को क्यों मारे, अधिकार नहीं है। अगर शेखर सिंह पकड़ाता तो उनको मारता, बच्चे को क्यों मारे। क्या नाम है चाची आपका? क्या हुआ बाबू, बाबू क्या हुआ है? वो पुलिस का स्टाफ मारा आगे घर में। क्या मारा है? पुलिस सब थाना का। क्या कर रहा था? कर मेरे पापा पे मर्डर के चलते में आया था, हमको पकड़ के मारा है घर में। कहाँ का पुलिस का? सुल्तानगंज का। क्या कहा? बोला तो मेरे पापा कहाँ है कहाँ है, गाली गलौज करके गर्दन पकड़ के मारा हमको। लाल गुस्सा से मारा, लात मार दिया मेरे यहाँ पे। अंकित कुमार कहाँ का है? कटहरा कुमार। पिता का नाम? चंद्रशेखर सिंह। उसे खोलने आया था? हाँ। तुमको मारा है? हाँ। कहाँ पर मारा तुमको? यहाँ पे मारा था, दो चार लात मार दिया यहाँ पे और गर्दन पकड़ के मुक्के से मुंह में मारा था। बताइए उस घटना के दिन जो नाम बता रहे हैं दुर्लभ कुमार, और क्या नाम है, कौन सी नाम? दुर्लभ कुमार चटलेस में क्या कर रहा था उस दिन? वो पिकर यहाँ गर्म गाड़ी कर रहा था, हंगामा कर रहा था। तो क्या हुआ उसके बाद? हम घर से निकले, उसके बाद उसको हम कहेंगे दुर्लभ चलो घर, या है वो बल्ले बिहान में जो होगा से होगा। उसको बाप था बगल में, उसको कहे कि आप बढ़िया लगता ना है, उसको गार्जियन को कहे ना, तू कहता है हम कहें कि बढ़िया लगता ना है। किसको? गार्जियन क्या नाम है? परमानंद सिंह। तो क्या कहा वो? उसको हम बोले। क्या कहा वो? वो कहा कि तुमने बेटा तुमने कलम है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो ईटा पत्थर चलाना लगे दुर्लभ से। किसको? किस पे? समुचा टोले पर। टोले पे? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम 10 गो युवक रपेटे। हाँ। रपेटने के बाद वो घर पे चला गया, और उसके घर के अगल बगल में डेहरी है, दूध का डेहरी, दुमला से ईटा पत्थर चलाने लगा। उसके बाद जो है दवाई की बोतल तोड़ा, दवाई की बोतल तोड़ने के बाद वो पी लिया और बोतल में बाप के आगू में, और वही केस में फंसा दिया। हाँ। झूठा केस में फंसा दिया? झूठे केस में। हाँ। क्या झूठे केस? हाँ, झूठा केस। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह। तो झूठा केस किस पे किया है? शेखर पर। और किस पे? नीरज पर, दिलीप पर। सब झूठा केस? हाँ, झूठा केस। समाज के पूछ लीजिए। क्या नाम आपका? सुनील कुमार सिंह। क्या माजरा है? अरे माजरा है कि वो जो शराब पी लिया था, उसका बाप भी शराब पी लिया था, वो आया यहाँ पर, थोड़ा सा टेंशन किया, टेंशन करने के बाद जो है ना वो ईटा पत्थर चलाना चालू कर दिया। ईटा पत्थर चलाने के बाद ग्रामीण जो है पूरा समाज का आदमी जुटा, वहाँ जुटने के बाद वो भागा, भागा बोला क्या कि हम तो तुमको लोगों को सबको फंसा देंगे, और चढ़ के छत के ऊपर जो है ना जहर पी लिया अपने से। हाँ, फंसा दिया किसको? शेखर कुमार को। और किसको फंसाया? शेखर, उसका भाई जो है नीरज, सबको झूठे केस में फंसा दिया।
क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोरंजन कुमार सिंह।